उत्तराखंड की झांकी मानस खंड 15 अप्रैल को पिथौरागढ़ पहुंचेगी। इसके बाद 18 अप्रैल तक झांकी मूनाकोट, कनाली चिना, डीडीहाट, धारचूला, मुनस्यारी, थल, बेरीनाग और गंगोलीहाट जाएगी। इस दौरान लोगों को मानस खंड की झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। पिथौरागढ़ एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पिथौरागढ़ बाजार क्षेत्रांतर्गत सड़कों पर वाहनों को स्थायी रूप से पार्क किए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभारी निरीक्षक यातायात प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में यातायात पुलिस और हाईवे पेट्रोल यूनिट टीम ने एचओली, कुमौड़ तिराहा, जाखनी और एपीएस तिराहे तक की चेकिंग की और टीम ने अनावश्यक रूप से खड़े वाहन भी हटाए। साथ ही कहा कि जो भी वाहन सड़क पर पार्क पाए जाएंगे उन्हें क्रेन से टोकर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चंपा देवी, कमला, दीपा, मंजू, हरुली, रेखा, भोपाल सिंह व विक्रम सिंह ने पक्के आवास दिलाए जाने की मांग की। शंकर सिंह बोरा, गिरधारी लाल व ग्राम प्रधान जरमाल गाँव ने डामरीकरण और सड़क निर्माण की मांग रखी। इस अवसर पर विधायक फकीर राम टमटा, प्रमुख अर्चना गंगोला, एसडीएम अनिल शुक्ला, डीडीओ रमा गोस्वामी, वीडियो शमीम अहमद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला क्रिकेट लीग की ओर से आयोजित क्रिकेट मैच का शुभारंभ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि नॉर्थ जोन खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर कैलाश चंद ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया। निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर में 5 विकेट पर 155 रन बनाए। सोर क्रिकेट क्लब ने 7 विकेट खोकर 156 रन बनाए। अंपायर दिनेश चंद्र जोशी, राजेंद्र सिंह गुर्रो और स्कोरर मनोज कुमार रहे। बता दें कि इस अवसर पर उमेश चंद्र जोशी, जिला क्रीडा अधिकारी प्रताप सिंह, रविंद्र डसीला, पिथौरागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जोशी मौजूद रहे। टीवीपी 14वीं वाहिनी के सेनानी हरेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सेना व अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया गया। चौकी प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने सेना व अर्धसैनिक बलों में भर्ती संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बल की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के हथियारों के बारे में भी बताया। प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाने का अनुरोध किया। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।